नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और जी हाँ, ISL 2019 का फाइनल, 2019-2020 का फाइनल, एक बड़ा मैच आज के दिन हम करने वाले हैं। गेम प्ले प्रेडिक्शन उसका होने वाला है, पेस 2019 गेम का नाम है और जो टीमें भिड़ने वाली हैं वो है ATK और चेन्नई FC। बड़ी टीम है, कोई शक नहीं है, शानदार परफॉर्मेंस दिया है और यही रीज़न है कि फाइनल में देखने को मिल रही हैं। तैयार हैं हम लोग फैंस और एक बढ़िया मैच की उम्मीद, और हर एक फैंस चाहेगा कि उसकी टीम जीते इस बड़े टूर्नामेंट को। हाल फिलहाल प्लेयर्स आ चुके हैं, हम बने हैं ATK यहाँ पर, और चेन्नई की टीम भी हम एक बार नज़र करेंगे। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं ATK की टीम डिफ़ॉल्ट है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, रियल के साथ कंपेयर टीम रखी है। प्लेयर आगे पीछे हो सकते हैं काफ़ी हद तक, और कुछ देर में रेफरी के विसल के साथ ही हमारा फाइनल का आगाज़ होगा। और हाल फिलहाल देख सकते हैं फॉर्मेशन 4-2-1-3 के साथ उतरी है चेन्नई, यहाँ पर शुरुआत होने की बस कुछ ही सेकंड्स और हम बढ़ेंगे फाइनल की तरफ। मैच की शुरुआत ATK और चेन्नई, यहाँ पर गोल तो नहीं लेकिन बॉल को जरूर पास कर दिया है अभी के लिए। यहाँ पर बढ़िया डिफेंस देखने को मिलता हुआ, आगे बढ़ना चाहेंगे यहाँ पर ATK के प्लेयर और डिफेंडर्स यहाँ पर कोशिश करते हुए बॉल को लेने की, लेकिन चेन्नई इस वक्त शुरुआत अच्छी की है, अगर नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बढ़िया 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 डिफेंस यहाँ पर, लेकिन अभी भी पास उतना बेहतर नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर पढ़ना चाहेगी ATK अब धीरे धीरे अटैकिंग की तरफ, लेकिन नहीं, बढ़िया डिफेंस यहाँ पर मिडफील्डर्स का। फिर से यहाँ पर गेंद आई ATK के प्लेयर्स के हाथों में, डेविड विलियम्स यहाँ पर पढ़ते हुए गेंद को आगे लेते हुए पहुँच चुके गोल एरियाज में, और यहाँ पर हेडर करते हुए, लेकिन विशाल खेत का बहुत ही बढ़िया गोल कीपिंग यहाँ पर। अगर बात करें पूरे मैच की, अभी ज़्यादा शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत ही हुई है, ज़्यादा हम कंपेयर नहीं करेंगे इस मैच को। अभी धीरे धीरे आगे मैच बढ़ेगा तब क्लियर होगा कि कौन आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बढ़िया एक बार मिडफील्डर का परफॉर्मेंस, यहाँ पर गेंद को बढ़ाया है चेन्नई के गोल एरिया में, डिफेंडर्स को भी जादू दिखाना होगा ATK के, और किस्मत खराब रही है ATK के लिए, गोल की तो नहीं लेकिन कॉर्नर मिलने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर देखा जा रहा है, रेफरी यहाँ पर आए हैं, चेक कर रहे हैं दोनों प्लेयर्स को, क्या है, क्यों रोका गया गेम को। जी नहीं, यहाँ पर फ्री किक दी गई है, किस्मत अच्छी रही है कि यहाँ पर गोल की पेनल्टी नहीं मिला है, वरना गड़बड़ हो जाती यहाँ पर हमारे ATK के लिए। यहाँ पे मैं ATK बनाऊँ तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे बढ़िया मौका है मेरे ख्याल से ATK के पास, सिर्फ दो ही डिफेंडर्स हैं, और एक बढ़िया पास यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, गलती की, एक बड़ा मौका मिस किया यहाँ पर मिडफील्डर्स के पास। यहाँ पर गेंद, दोनों टीमें यहाँ पर चाहेंगी गेंद को अपने गोल एरियाज में ले जाना। हाँ, एक बढ़िया पास की जरूरत है ATK को, थोड़ी दूर, थोड़ा काम और बाकी है। यहाँ पर दोनों प्लेयर्स यहाँ पर एक साथ आ गए हैं, चेन्नई के डिफेंडर्स यहाँ पर टेंशन में होंगे थोड़ा, एक बढ़िया डिफेंस की जरूरत है, और यहाँ पर एक और अटैक गोल पोस्ट पर, सफलता नहीं मिली है ATK को। चेन्नई के गोलकीपर यहाँ पर कोशिश करेंगे रोकने की, और रोका भी था बढ़िया, अभी तक दो बार मौके मिले थे यहाँ पर। अब ATK गोलकीपर का वक्त है, उन्हें परफॉर्मेंस देना होगा यहाँ पर। नहीं, गलती हुई है, रोका गया है गेंद को, अरे भाई जबरदस्त यहाँ पर मौका, देख सकते थे हम लोग की डिफेंडर्स कंफ्यूज दिखे थे, पास दिया था गेंद को लेकिन गेंद वहीं की वहीं, गेंद मतलब फुटबॉल यहाँ पे वहीं की वहीं रह गई थी। किस्मत साथ दी है मैं कहीं तक मानूंगा कि ATK का यहाँ पर गोल का चांस बहुत बढ़िया था। यहाँ पर एक बढ़िया मौका है और गोल देखने को मिला है यहाँ पे, ATK ने शुरुआत कर ली है इस फाइनल में जहाँ पर बड़े स्कोर नहीं देखने को मिलते, ये एक की लीड बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। हम देख रहे हैं यहाँ पर रिप्ले, राइट साइड से आए थे, राइट विंग ने अटैक किया था, यहाँ पर गेंद को सिर्फ रोका था अपने शोल्डर्स की मदद से और फिर आसानी से गोल किया है, बहुत मुश्किल नहीं है गोल। जो कमाल हुआ है वो हुआ है पासिंग में, जिस तरह से देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर मिस कर गए थे डिफेंडर गेंद को रोकना, और गोल कीपर के लिए एक मुश्किल, अंत में पहला गोल यहाँ पर।
शुरुआत 1-0 से पीछे हो चुकी है, ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं रहना चाहेगी एटी के, यहाँ पर अटैकिंग मोड में ही रहना बेहतर होगा। यहाँ पे बढ़िया डिफेंस मिडफील्डर्स का, पासिंग का ये पूरा गेम फुटबॉल यहाँ पर। अब कोशिश ये होगी यहाँ पर कि पहला जो हाफ है उसे किसी तरह से पूरा किया जाए, कोई गलती ना की जाए। यहाँ पर गोल की कोशिश है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गोल कीपिंग देखने को मिला है, अगर मिस करते हैं तो खतरा होगा। जी हाँ, मिस तो नहीं, लेकिन गलत, बहुत गलत पास, और यहाँ पर विसल बच सकती है जल्दी। यहाँ पर एक बार फिर गोल की कोशिश, हेडर देखने को मिलेगा लेकिन नहीं, सफलता नहीं मिली। यहाँ पर एक बार फिर कोशिश लेकिन मिस कर गए, और यहाँ पर पहला हाफ पूरा होता हुआ शुरुआत हुई थी चेन्नई इनके अच्छे पासिंग के साथ, लेकिन पहला हाफ रहा है एटीके के खिलाफ 1-0 से आगे, और कुछ बहुत ही क्लोज मौके मिस कर गए वरना आगे रह सकते। सेकेंड हाफ की शुरुआत यहां पे होती हुई पड़ेगी, यहां पर चेन्नई सबसे पहला टारगेट कोशिश करेगी भी 1-0 का जो डिफरेंस है उसे कम किया जाए, क्या उसे खत्म किया जाए, और कोशिश की जाएगी लीड की। यहां पर एक बढ़िया यहां पर लेफ्ट साइड से अटैक किया, यहीं से गोल हुआ था एटीके का। यहां पर मिस करना नहीं चाहेगी चेन्नई, लेकिन किस्मत भी चेन्नई का साथ नहीं दे रही है शायद। एक बढ़िया गोल मिस किया यहाँ पर मैं मानता हूँ चेन्नई ने। अभी यहाँ पर बारी है एटीके के मिडफील्डर्स की, डिफेंडर्स की, गेंद को रोकना होगा। 1-0 से आगे हो चुके हैं, अगर यहाँ से ये मैच में पीछे होते हैं जो कि लग रहा है क्योंकि बढ़िया खेल रही है यहाँ पर, यहाँ पर एक बार फिर मौका था गोल का, मिस किया है चेन्नई ने। अच्छा डिफेंस, हम बार बार ये कह तो रहे हैं कि चेन्नई के जो मिडफील्डर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम डिफेंडर्स को भूल रहे हैं एटीके के। यहाँ पे ऑफसाइड रही है गेंद, एडविन वांस पॉल यहाँ पर करेंगे गेंद को किक। यहाँ पे डिफेंस देखने को मिल सकता है, मैं अभी हाल फिलहाल यही कोशिश कर रहा हूँ एटीके की गेंद को अपने पास रखे फुटबॉल को, ज़्यादा मौका देना चेन्नई इनको, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 30 मिनट का वक्त है, क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत है गेम चेंज करने के लिए। यहाँ पर गलती की है डिफेंडर्स ने, अच्छा काम किया चेन्नई इनके, अब वक्त है अटैकर्स का बढ़ते हुए यहाँ पर, लेकिन डिफेंडर्स एटीके के एक्टिव रहे हैं, और ख़राब पास, बहुत ही ख़राब पास, मेरे ख्याल से कीपर को देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कीपर का अपना काम करेंगे, और देखना होगा किसके हाथ में रहती, किसके पैरों में रहती है गेंद, या हाथों में नहीं पैरों में यहाँ पर। लेकिन चेन्नई अच्छा खेल रही है, इस पर कोई शक नहीं है, और ये गलती हुई है, मौका मिस किया है यहाँ पर चेन्नई ने। इससे बड़े मौके नहीं मिलेंगे आपको फाइनल में, आपको मौके जब मिले ले लो फायदा, एटीके को मिला, एटीके ने फायदा उठाया 1-0 से आगे, अभी भी अटैक कर रहा है यहाँ पे। एक बढ़िया पास देखने को मिला है, अटैक नहीं, गलत किया, थोड़ा रुकना था, थोड़ा इंतजार करना था, वो गलती की मैं मानता हूँ यहाँ पर एटीके ने। अब वक्त है यहाँ पर गेंद को अपने मौका है एटीके के पास, सॉरी चेन्नई के पास, लेकिन हमारे कीपर एटीके के ए भट्टाचार्य बहुत ही बढ़िया कीपिंग करते हुए, 2-3 मौके तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एक समय लग रहा था कि हो गया है गोल चेन्नई इनका, लेकिन चेन्नई ने यहाँ पर मिस किया, यहाँ पर गलती की है, अटैकर्स ने एक फोकस नहीं रखा था इसीलिए पहुँच नहीं पाए फुटबॉल तक। अभी भी मौका है यहाँ पे, एक बहुत ही बढ़िया मौका है गोल करने का, क्योंकि फिर से पहुँच चुके हैं अपने अटैकिंग एरिया में एटीके के प्लेयर्स। एक बढ़िया पास यहाँ पे बढ़िया मौका, कीपिंग उतनी बढ़िया देखने को मिली है गोल कीपिंग, पड़ेंगे हम कॉर्नर के लिए। अगर एक और लीड ले लेती हैं तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कुछ चांस रहेगा यहाँ पर चेन्नई के पास। यहाँ पर गलत कोशिश करनी चाहिए अटैकिंग एरियाज में रहने की, हाल फिलहाल पासिंग गेम चालू है, हेडर का मौका है, मिस किया है, कोई बात नहीं, गेंद अभी भी एटीके के पास है, और यहाँ पर अटैकिंग लेकिन सफलता नहीं मिली, अभी भी गेंद है एटीके के, लेकिन यहाँ पर पूरा होता हुआ मैच, और हमें मिला है हमारा आईएसएल 2019-2020 का चैंपियन जो कि है एटीके। सबसे अजीब बात ये रही, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा दूसरा हाफ कब पूरा हो गया, इतना ज़्यादा क्लोज, इतना ज़्यादा टाइट मैच,
एक 0 से ही जीती है, लेकिन वो मायने नहीं रखता। इतिहास में कहा जाएगा कि एटीके रहा है विनर, और काफी इमोशनल लग रहे थे प्लेयर्स यहाँ पर, और देख सकते हैं हम लोग। अभी के लिए हम पढ़ेंगे हमारे एंड की तरफ, और इसी के साथ हमारा 2019-2020 का ISL का गेमिंग सीरीज भी पूरा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का आपने इसे, जिन लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, अप्रिशिएट किया वीडियो को, क्योंकि लगभग 98-97 मैचेस हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 100 कह सकते हैं कि हम लोग 100 मैच हमने शॉकर के फुटबॉल के गेम प्ले के डाले और सपोर्ट मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फुटबॉल की गेमिंग सीरीज के बारे में हम सोचेंगे, आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट करें कि क्या है, कौन सी टूर्नामेंट को हम लोग करें यहाँ पर गेम प्ले। अभी के लिए ले रहा हूँ विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।